All right. Good morning, everyone. I hope I am visible to all. You can watch me. Good morning, Pinky, Neha, Anshu, Goldie. Good morning, Piyal. Good morning, Iti. फटाफट आ जाओ सब कोई so that we can resume our class. Very quickly. गुड मॉर्निंग वर्षा, कल का क्विज कैसा था बाय द वे? रात में जो हम लोगों ने खेला था 9 PM को, हाउ वाज द क्विज? आज भी 9 बजे हम लोग क्विज खेलेंगे रात में, ठीक है? वही 20 से 25 मिनट का क्विज होगा, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं रहेंगे. आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे रात में 9 बजे उसका क्विज खेलेंगे. बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी. गुड मॉर्निंग श्लोक, उल्लास, गोल्डी. चलो, शैल वी स्टार्ट द क्लास? ओके, तो पहले तो आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो सो दैट आई कैन स्टार्ट द क्लास ऑफ योर बिजनेस कम्युनिकेशन. लास्ट क्लास हम लोगों ने चैप्टर 4 का रिवीजन किया था, राइट, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को लर्न किया था, सीखा था. आज का जो चैप्टर है, मैं कहूंगी उसमें ज्यादा कुछ सीखने का नहीं है सच, बट फिर भी आप जितना सुनोगे आपको दिमाग में याद रहेगा और एग्जाम्स में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आज का क्लास में बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्रामर पोर्शन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे सिनोनिम्स क्या होता है, होमोनिम्स क्या होता है, इडियम्स क्या होता है, एंड पैसेज राइटिंग. तो ये सब तो मतलब हम लोग क्लास 9-10 से ही करते आ रहे हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ ऐसा चीज नहीं है कि एक दिन में मैं सिखाऊंगी और आप सीख जाओगे, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको आता है ऑलरेडी. हाँ, जो जो डिफिकल्ट टॉपिक है, लाइक बहुत बच्चों को सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूजन होता है, तो ये सब जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उन लोग को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. बाकी वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस ग्रामर पोर्शन टुडे, ठीक है? सो आइए हम लोग वेरी क्विकली स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जिसमें आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं: नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है? तो एक एक करके हम लोग सब डिस्कस करने वाले. नाउन का टाइप्स होता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन. प्रोनाउन का टाइप्स होता है रिलेटिव प्रोनाउन, देन पॉजिटिव प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी को बोलते हैं एडजेक्टिव, या नंबर को बोलते हैं एडजेक्टिव. वर्ब्स क्या होता है? डूइंग कोई भी चीज का एक्शन को वर्ब्स इंडिकेट करता है. एडवर्ब क्या होता है? तो ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करने वाले. एडजेक्टिव बेसिकली क्वालिफाइज अ नाउन, बट एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब एज वेल एज प्रीपोजिशन. इट कैन क्वालिफाई और इट कैन इवन क्वालिफाई एन एडजेक्टिव. तो ये सब हम लोग छोटे छोटे चीज जो है डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है? सो वेरी क्विकली आइए हम लोग डिस्कस करते हैं नाउन का मतलब क्या होता है, ठीक है? ध्यान से, आर यू गाइस रेडी फॉर द क्लास? प्लीज मुझे फटाफट चैट बॉक्स में लिखकर बताइए आप रेडी हो कि नहीं, कि आपके सारे फ्रेंड्स भी आ गए हैं, कि कोई फ्रेंड का आना बाकी है. शुड आई वेट फॉर द क्लास और शुड आई कंटिन्यू विद द क्लास? मुझे वेट करना है कि मुझे कंटिन्यू करना है? कुछ भी करना है, मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के बताओ सो दैट आई कैन रैपिडली स्टार्ट द ग्रामर पोर्शन अलॉन्ग विथ यू पीपल, ठीक है? फटाफट मुझे बताओ चैट बॉक्स में लिख के वेरी क्विकली. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं. मेजॉरिटी ऑफ यू हैव सेड यस मैम, स्टार्ट करिए. तो नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है? फॉर एग्जांपल मेरा नाम क्या है? माय नेम इज दिव्या. सो दिव्या इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है? बिकॉज वी आर स्पेसिफाइंग कि यहाँ पे जो हम पढ़ा रहे हैं, आई एम द टीचर, माय नेम इज दिव्या अग्रवाल. सो दिव्या अग्रवाल एक ही लड़की है यहाँ पे आपके साथ अभी मौजूद है, समझ में आ रहा है? सो दैट इज अ प्रॉपर नाउन. ओके, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन टॉक्स अबाउट people, person, place, like girls. तो girls is a common thing, ठीक है? girl में बहुत जन आ सकते हैं. I am not referring to a particular person. So when you are referring to common things like places, but New Delhi is a particular place, that becomes your proper noun. But when you talk about cities, cities, places, वो मेरा क्या हो गया? common noun. तो person, place या thing, all these refer to as common noun. Proper noun हो गया when you are referring to a particular person or a particular place or a particular thing, ठीक है? So that is an example of collective noun, proper noun. Now what is collective noun? Collective noun का मतलब हो गया like company, batch, ठीक है? मतलब एक संग जो झुंड में हो रहा है, that is called collective noun. Like university, ठीक है? classroom, crowd, flock of sheep. So all these are example of collective noun, ठीक है? तो common noun का मतलब आपको समझ में आ गया है. तो मतलब बच्चा लोग को तो ये शायद क्लास 5 में भी पढ़ाया जाता है कॉमन नाउन क्या होता है. तो कॉमन नाउन मतलब हो गया बैंक, शॉप, मार्केट, गर्ल्स, बॉयज. All these are example of common noun. Like I will say bank. Bank में if I mention the special name of SBI bank, तो आप बताओ मुझे फटाफट चैट बॉक्स में लिख के SBI क्या हो जाएगा? अगर मैं सिर्फ बैंक बोलती हूँ तो वो कॉमन नाउन है, बट मैंने आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम बताया, तो एक पर्टिकुलर बैंक का नाम है, तो एसबीआई कौन सा नाउन हो गया? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। एसबीआई कौन सा नाउन हो गया? एसबीआई प्रॉपर नाउन हो गया ना, क्योंकि आई एम रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर बैंक एंड नॉट टू एनी ऑफ द बैंक। So when I am referring to a particular person or a particular place or a particular thing, that is called proper noun. ठीक है, तो proper noun हो गया particular word को हम refer कर रहे हैं, like India. ठीक है, countries बहुत सारे country बोल रहे हैं तो common noun हुआ, but I am referring to a particular country, India, that becomes your proper noun. ठीक है, L&T के बारे में सुनियो, that is a construction company, Larson and Tubro, founded by 2 Danish engineers. India में, मुंबई में head office है L&T का. Delhi, जनवरी, when I'm talking about जनवरी फरवरी इंडिविजुअल मंथ के बारे में बात हो, दैट इज प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन का मैंने आपको एग्जांपल दिया जो कि एक पर्टिकुलर क्लास को रेफर कर रहा है, लाइक बैच हो गया, कंपनी, यूनिवर्सिटी, फ्लॉक, एटसेट्रा। सो नाउन बिकम्स वेरी इजी। नाउन मतलब हो गया, आपको समझ में आ गया, जब आप एक पर्टिकुलर पर्सन को रेफर कर रहे हो प्रॉपर नाउन हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर कर रहे हो तो कलेक्टिव नाउन हो गया, एंड ऑल पर्सन प्लेस थिंग हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, आप बार बार तो नाउन नहीं बोल सकते ना, लाइक अगर आपको मैंने बोला कि आप माई सेल्फ पे ऐसे लिखो, आपका नाम सपोज करो दिव्या है, सो दिव्या इज अ टीचर, दिव्या हैज क्लियर्ड सीएस, दिव्या हैज क्लियर्ड सीए, दिव्या हैज गॉट ऑल ओवर इंडिया 3rd रैंक, तो ये बार बार दिव्या दिव्या वर्ड सुनना इरिटेटिंग हो जाएगा। सो रादर देन यूजिंग नाउन वी प्रेफर टू यूज प्रोनाउंस इन द प्लेस ऑफ नाउन। सो व्हेन वी यूज प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। सो दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। नाउ प्रोनाउन का टाइप्स हो सकता है पर्सनल, रिलेटिव एंड पॉजेसिव। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब माइन, योर्स, दाइन, ठीक है, ये सब मेरा हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब मेरा क्या हो गया? किसके लिए, फॉर हुम यू हैव गॉट दिस बुक, ठीक है, देन विच फंक्शन इट इज, सो विच, हुम, ये सब मेरा हो गया रिलेटिव। और जब डायरेक्टली बोलो आई, ही, शी, तो वो मेरा क्या हो गया पर्सनल प्रोनाउन। तो आई, वी, यू, ही, शी, ये सब पर्सनल हो गया। रिलेटिव हुम, विच, पॉजेसिव हो गया माइन, योर्स, दाउ, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एडजेक्टिव? एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी किसी का भी डिस्क्राइब करना या फिर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना। शी इज अ क्लेवर गर्ल, तो क्लेवर मेरा एडजेक्टिव हो गया। जो भी नाउन को क्वालिफाई करता है बेसिकली दैट इज योर एडजेक्टिव, ठीक है, या तो क्वालिफाई करता है, क्वांटिफाई करता है, या फिर आई हैव गॉट 6 बुक, तो 6 इज अ क्वांटिटी, तो 6 मेरा क्या हो गया एडजेक्टिव। तो क्लेवर एडजेक्टिव हो गया, 6 एडजेक्टिव हो गया। सो एडजेक्टिव मतलब आपको समझ में आ गया, जो कि क्वालिफाई करता है एक पर्टिकुलर नाउन को, ठीक है, या फिर क्वांटिफाई करता है। वर्ब्स क्या होता है? एक्शंस, कोई भी चीज जहां आपको एक्शंस दिखाई दे रहा है, डूइंग वर्ब, दैट इज कॉल्ड एज वर्ब। लाइक रोहित रन्स, तो रन्स मतलब भागना हो गया, सो रन इज अ वर्ब। बेल रिंग्स, रिंग्स इज एन एक्शन, दैट इज अगेन अ वर्ब, ठीक है। राम इज बीटन, बीटन इज अ वर्ब, ओके। एडवर्ब क्या होता है? ध्यान से सुनना, एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, आप वहां चाहो तो लिख लो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, लाइक गर्ल वॉज अ नाउन, क्लेवर वॉज एन एडजेक्टिव। सो गर्ल कैसी है? क्लेवर है, तो क्लेवर एडजेक्टिव है जो कि क्वालिफाई किया था एक नाउन को जो कि गर्ल थी। तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को। एडवर्ब पता है आपको किसको क्वालिफाई करता है? आपको नाम में ही छुपा हुआ है एडवर्ब, यानी वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो वर्ब को क्वालिफाई करता है, प्रिपोजिशन को क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है, इवन एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई करता है। हाँ, तो एडवर्ब एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई करता है क्या? यस, जब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जो एग्जाम्पल हम लोग वो यूज करते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट वाइजली। तो आप मुझे बताओगे डिफिकल्ट क्या हुआ? डिफिकल्ट वर्ड क्या है? डिफिकल्ट वर्ड क्या है? क्वालिटी है, दैट इज एन एडजेक्टिव, तो डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउ वेरी डिफिकल्ट बोल दिया तो वेरी एडवर्ब हो गया क्योंकि उसने एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, तो वर वेरी यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब विच हैज क्वालिफाइड एन एडजेक्टिव। इन्वेस्ट वाइजली, इन्वेस्ट क्या है? मेरा वर्ब है ना, इन्वेस्ट मेरा क्या है? इन्वेस्ट करना वर्ब है, और कैसे इन्वेस्ट करना है? वाइजली, तो यानी वर्ब को क्वालिफाई किया, तो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो क्या हो जाता है? एडवर्ब। तो ये वाइजली भी मेरा क्या हो गया? एडवर्ब। समझ रहे हो मेरा बात? तो दो ठो यहाँ पे एक एडवर्ब हो गए, एक एडवर्ब हो गया वाइजली, एक एडवर्ब हो गया वेरी। एक ने एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, एक ने वर्ब को क्वालिफाई किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सीईओ इज एन एक्सेप्शनली शार्प मैनेजर। तो अब मुझे आप ध्यान से बोलो, शार्प जो है वो क्या हो गया? शार्प, शार्प होना मतलब क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्वालिटी है, शार्प इज एन एडजेक्टिव। अब एक्सेप्शनली शार्प बोल दिए, यानी आपने एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, तो एक्सेप्शनली वर्ड मेरा क्या हो गया? एडवर्ब। तो आपको समझ में आ रहा है एडवर्ब जो है ना कि वो खाली वर्ब को क्वालिफाई करता है, वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है और प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। लाइक आई विल शो यू कि यहाँ पे भी एक एडवर्ब छिपा हुआ है, द कैश काउंटर इज राइट बिहाइंड यू। तो आपको पता है प्रीपोजिशन क्या होता है? कोई भी जो प्लेस को रेफर करता है, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के प्लेस को रेफर करता है, पोजिशन को रेफर करता है, उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो बिहाइंड इज अ प्रीपोजिशन, राइट? अभी देखना आपको एक एडवर्ब मिलेगा जिसने प्रीपोजिशन को क्वालिफाई किया है, राइट बिहाइंड यू वर्ड यूज किया गया है। तो राइट मेरा क्या हो गया बच्चा लोग? राइट मेरा एडवर्ब हो गया। तो यानी यहाँ पे हमने देखा कि इसने प्रीपोजिशन को क्वालिफाई किया। तो आपको समझ में आ रहा है, एडवर्ब मैंने बोला किसी को भी क्वालिफाई कर सकता है, वो वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, प्रीपोजिशन को भी, कंजंक्शन को भी, एडजेक्टिव को भी। लेकिन एडजेक्टिव खाली किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? ठीक है, समझ में आ गया आपको? प्रीपोजिशन मैंने अभी आपको बताया कि प्लेस, पोजीशन, ये सब, प्लेस, टाइम, ये सब के टर्म्स में यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल अबाउट, अक्रॉस, अहेड, अलोंग, एट, अवे, ये सब प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन को हम लोग ज्वाइनिंग वर्ड्स बोलते हैं। जब हम लोग जनरली दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं हम लोग कंजंक्शन यूज करते हैं। लाइक दिव्या इज अ सीए, दिव्या इज अ सीएस। सो दिव्या इज बोथ अ सीए एंड अ सीएस। तो बोथ एंड वर्ड मैंने यूज किया, तो बोथ और एंड मेरा कंजंक्शन हो गया। ठीक है, फिर बट, दैट इज ऑल्सो अ कंजंक्शन। सो कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? जहां पे दो कंजंक्शन का इस्तेमाल एक संग होता है। लाइक नाइदर नॉर, आइदर और, आप लोग यूज करते हो ना, neither he came to the party nor his brother turned to the party. So neither nor, both are kind of correlative conjunction, they are used together. So neither nor हो गया, either or हो गया, ठीक है, if only, but also, तो ये सारे जो है मेरे correlative conjunction होते हैं। correlative कब बोलते हैं? जब एक से ज्यादा conjunction हम लोग यूज करें। और generally conjunction का मतलब क्या होता है? they are referred to as the joining words. कंजंक्शन का वर्ड क्या होता है? दे आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। ठीक है, नाउ व्हाट डज द वर्ड इंटरजेक्शन मींस? इंटरजेक्शन आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस योर इमोशन। आपको कोई भी चीज को एक्सप्रेस करना है, लाइक आपने एक बहुत ही हॉरेंडस साइट देखा तो आपका तुरंत रिएक्शन कैसे रहता है? ओ माय गॉड व्हाट अ साइट इट वाज। तुम लोग बहुत डरे हुए रहते हो तो ओ माय गॉड, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरजेक्शन व्हिच इज एक्सप्रेसिंग योर शॉक। ठीक है, व्हिच इज एक्सप्रेसिंग दैट यू आर वेरी मच टेरिफाइड विद दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। ब्रावो, वेल डन, वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो आप क्या बोलते हो? ब्रावो बोलते हो। तो ब्रावो, ओ गॉड, अलास, ये सब क्या है? मेरा इंटरजेक्शन है। दैट इज एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज। ओके, अलास ही इज नो मोर, कोई आदमी मर गया तो आप बोलते हो ना, ओ नो, ओ गॉड, अलास। तो यानी ये आपके इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अलास वर्ड, ऑन द डेथ ऑफ समवन यू रीड द वर्ड अलास। ठीक है, इसी तरह से एक्टिव वॉइस होते हैं, पैसिव वॉइस होते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है? ध्यान से सुनना, सुनना मेरा बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, प्लीज लास्ट तक मेरे संग जुड़े रहना, नहीं तो मजा नहीं आने वाला है। क्लास में मेरा रिक्वेस्ट है, आप मेरे संग लास्ट तक जुड़े रहोगे तभी मजा आएगा। इसके बाद हम लोग सिनोनिम, एंटोनिम, मीडियम्स, ये सब भी डिस्कस करेंगे, जो कि आप देखोगे एग्जाम्स में कॉमन भी आ गए। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट मैंने क्या बोला? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? ये मतलब हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। The cat killed the mouse. जब आपने डायरेक्टली बोला the cat killed the mouse is an example of active voice. But the mouse was killed by the cat. जहाँ पे by the cat word आता है that becomes your passive voice. तो difference समझ में active और passive में। तो मैंने क्या बोला? The cat killed the mouse. Active है. The mouse was killed by the cat. That becomes your passive voice. तो इस तरह से हम लोगों ने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट टेंसेस। टेंसेस आपको पता है तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। नाउ दीस टेंसेस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वेरी सिंपल, बहुत ही ईजी है। आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है? जब भी आप देखोगे कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस मतलब एक संग, तो आपको आईएनजी लगा देना है। ठीक है, और जब भी आप देखोगे परफेक्ट वर्ड है, ठीक है, यानी हैव वर्ड आ जाएगा। अगर प्रेजेंट टेंस है तो हैज या हैव वर्ड आ जाएगा। अगर पास्ट होता तो पास्ट परफेक्ट होता तो हैड आ जाता। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैड भी आ जाएगा और आईएनजी भी आ जाएगा। सो हैव बीन रीडिंग, हैज बीन रीडिंग, सो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड प्रेजेंट टेंस मतलब एकदम सिंपल, कोई आईएनजी नहीं, कोई हैव, कोई हैड नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखोगे क्लियर हो जाएगा। सो फॉर हर एक टेंस का बात करें, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, सबके चार डिविजन्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वैसे ही पास्ट टेंस के भी जो है चार टाइप्स होते हैं, सिंपल पास्ट, देन योर कंटिन्यूअस पास्ट, पास्ट परफेक्ट एंड देन योर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो लाइक आई रीड अ बुक, प्रेजेंट टेंस हो गया सिंपल। आई एम रीडिंग अ बुक मतलब आप अभी भी वो एक्टिविटी कंटिन्यू करो, सो आई एन जी को जैसे ही आपने देखा वो बिकम्स कंटिन्यूअस। आई हैव रेड अ बुक दैट बिकम्स योर परफेक्ट टेंस। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है यहाँ तक? सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। आइए अब पास्ट टेंस का बात करते हैं। आप ये खाली एग्जाम्पल कर लोगे ना, तीनों का क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट मतलब जो आप अभी कर रहे हो, पास्ट मतलब जो हो चुका है, फ्यूचर मतलब जो होने वाला है। तो पास्ट टेंस का भी 4 टाइप्स है। सिंपल पास्ट का मतलब वो आई जम्प्ड, ईडी लगा रहेगा जनरली, आई जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, आई वाज जम्पिंग, जैसे ही आईएनजी देखा आपने, आपने समझ गए कि वो पास्ट कंटिन्यूअस है। आई हैड वर्ड देखा तो मैंने बोला हैव, हैड, हैज होगा तो क्या वर्ड हो जाता है, परफेक्ट। तो हैड, हैड जम्प्ड आया तो पास्ट परफेक्ट हो गया। आई हैड बीन जम्पिंग, यहाँ पे हैड भी और आईएनजी भी आपने देखा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हैड भी है और आईएनजी भी है। तो हैड और आईएनजी होने से मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये फीचर्स को फुलफिल करता है। क्लियर है? वैसे फ्यूचर टेंस का बात करें, आई विल जम्प सिंपल फ्यूचर, आई विल बी जम्पिंग, आईएनजी देखा मैम कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। आई विल हैव जम्प, मैम मैंने हैव देख लिया और विल देख लिया, यानी कि परफेक्ट भी हो गया और फ्यूचर भी हो गया क्योंकि विल वर्ड है। आई विल हैव बीन जम्पिंग, तो मैम ये तो सारे ही हो गए, हैव है तो परफेक्ट हो गया, विल है तो फ्यूचर हो गया और आईएनजी वर्ड है तो कंटिन्यूअस हो गया, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आई होप टेंसेस आपको क्लियर है। तो एग्जाम में सेंटेंस दिए रहेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है वो प्रेजेंट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि पास्ट कंटिन्यूअस है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस एटसेट्रा, ठीक है। सो वेरी इजी, क्लियर। नाउ एक सब्जेक्ट क्या होता है, एक प्रेडिकेट क्या होता है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंटेंसेस क्या होते हैं। ध्यान से सुनना, जब भी एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है ना, वी कॉल इट एज एन इंडिपेंडेंट फ्रेज। सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे, दैट बिकम्स योर प्रेडिकेट। द डॉग इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो नाउन यहाँ पे क्या हुआ, डॉग, उसके बारे में बातें हो रही है तो सब्जेक्ट हो गया डॉग। सिटिंग ऑन द चेयर, वो क्या कर रहा है, चेयर पे बैठा हुआ है, तो चेयर पे बैठा हुआ मेरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। राज इज अ वेल्दी मैन, तो आप मुझे बताओगे इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ। राज इज अ वेल्दी मैन, इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, टेल मी द आंसर, व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ प्रेडिकेट। राज सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और वेल्दी मैन मेरा क्या हो गया, राज कैसा आदमी है, वेल्दी मैन है, तो वेल्दी मैन मेरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। सो राज इज अ वेल्दी मैन, राज बिकम्स योर सब्जेक्ट, वेल्दी मैन बिकम्स योर प्रेडिकेट। क्लियर है? एंड दिस बिकम्स योर इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आइए हम लोग सीखेंगे सेंटेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं। एक्चुअली 4 होते हैं बट आपके बुक्स में 3 ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आता बट अभी आप मेरा लेक्चर सुनोगे ना, बहुत ईजिली समझ में आएगा। एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, एक होता है कॉम्प्लेक्स, और एक एक्चुअली कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होता है बट वो आपके मैट में नहीं है, तो हम लोग क्यों उसमें माथाफोड़ी करेंगे। अब ध्यान से मेरा बात सुनना, इसको समझने के पहले आप इस चीज को समझो, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। प्लीज बच्चे लोग ध्यान से सुनना, शायद 11, 12, 9, 10 में भी आप लोगों को ये सारे चीज समझ में नहीं आते थे, ठीक है। तो अभी मेरा बात ध्यान से सुनना, एक होता है मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, एक होता है मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम लोग मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, और एक मेरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता है, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो एक मेरा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज और एक मेरा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज मेरा हो गया मेन क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज मेरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ध्यान से मुझे मेरा बात सुनना, जो मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना वो कंप्लीट सेंस बनाता है, लाइक आई हैव गॉट अ गोल्ड चेन, आई हैव गॉट अ गोल्ड चेन, सो कैन आई से ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, ये पूरा कंप्लीट मीनिंग को कन्वे कर रहा है। सो आई हैव अ गोल्ड चेन बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ एन मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या चीज का एग्जाम्पल हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। कोई कंफ्यूजन है आपको इसमें कि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा है? नहीं। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, आई हैव अ चेन which is made up of gold. आप देखोगे यहाँ पे दो क्लॉजेज है, एक आई हैव अ चेन. क्या आप मुझे बताओ आई हैव अ चेन कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है? यस और नो, टेल मी इन द चैट बॉक्स. क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? इसको और कोई वर्ड्स जोड़ने का दरकार है इसमें? विच इज मेड ऑफ गोल्ड जोड़ने का दरकार है? अगर मैं आपको बोलती हूँ आई हैव अ चेन, तो इसमें कुछ आपको अधूरापन लग रहा है? नहीं, मेरे पास चेन है. ठीक ही तो है, फुल सेंटेंस ही तो है. सो आई हैव अ चेन मतलब दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ, कोई अधूरापन नहीं लग रहा है. सो आई हैव अ चेन जो मैंने बोला, ये जो लाइन मैंने बोला आई हैव अ चेन, ध्यान से सुनना, ये आई हैव अ चेन जो है ये मैं बोल सकती हूँ ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ये मेरा क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसमें और एक लाइन है विच इज मेड ऑफ गोल्ड. अगर आप सिर्फ बोलोगे किसी को विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, सामने वाले को कुछ समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे हो? क्या ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है? विच इज मेड ऑफ गोल्ड क्या कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है? नहीं कर रहा है, बल्कि ये वाला सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस पे डिपेंडेंट है. ये वाला सेंटेंस आप तभी समझोगे जब आप इसके संग फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करोगे, दैट इज आई हैव अ चेन विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, देन ओनली यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो ये जो विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड वाला जो क्लॉज है ना, ये मेरा बन गया डिपेंडेंट क्लॉज, जिसका कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, आप इसको अकेले यूज नहीं कर सकते. तो ये मेरा बन गया डिपेंडेंट क्लॉज, समझ रहे हो? आई हैव अ चेन मेरा बन गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड मेरा बन गया डिपेंडेंट क्लॉज. आई हैव अ चेन आप इंडिविजुअली बोल सकते हो, उसका कोई सेकंड लाइन के संग अटैचमेंट नहीं है, बट सेकंड लाइन का अटैचमेंट फर्स्ट वाले लाइन के संग है. विच इज मेड ऑफ गोल्ड का कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, कोई आदमी नहीं समझेगा विच इज मेड ऑफ गोल्ड क्या है, तो उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज करना ही पड़ेगा. सो कैन आई से दिस क्लॉज, the second clause is dependent on the first clause which is your main clause, so the clause that is depending on the main clause becomes your dependent clause or subordinate clause. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? dependent clause बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? subordinate clause. So I hope आपको clear है main clause क्या होता है, subordinate clause क्या होता है, difference आप identify कर लोगे. अब हम लोग सीखेंगे तीनों type का sentence क्या होता है. ध्यान से सुनना, simple sentence क्या होता है, compound और complex क्या होता है. I need one space, तो मैंने नीचे जाकर लिख रही हूँ मैं, ठीक है. बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब, पता है बच्चा लोग को इसमें डर लगता है. डर क्यों लगता है पता है? क्योंकि आपका ये समझा हुआ नहीं रहता है. आप समझ लोगे ना, बहुत इजी है. सिंपल सेंटेंस इज वेरी इजी. वन सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस वन प्रेडिकेट, दैट्स इट. और सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैंने अभी आपको बोला, सब्जेक्ट एक नाउन हो गया जिसके बारे में बातें हो रही है, वो प्रेडिकेट. सो दैट बिकम्स योर सिंपल सेंटेंस. एग्जाम्पल, तो आप देख रहे हो दिव्या हैज अ गोल्ड चेन, तो दिव्या एक सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में बात किया जा रहा है, उसके पास क्या है? गोल्ड चेन. दैट बिकम्स योर प्रेडिकेट. सो दिस बिकम्स योर सिंपल सेंटेंस. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है सब. कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है या कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? तो आइए देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है. कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? दो ठो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम दोनों इंडिपेंडेंट है, माइंड यू दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड दोनों को हम लोगों ने एक सेंटेंस में यूज किया है विद द हेल्प ऑफ एन कंजंक्शन, जनरली कोरिलेटिव कंजंक्शन. या फिर आप जब भी स्टेटमेंट में एंड देखोगे ना, या नाइदर नॉर आइदर और, तो आप पक्का समझ जाना वो कंपाउंड सेंटेंस है. ठीक है, सो टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होना यहाँ जरूरी है. टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, टू और मोर, टू या फिर उससे ज्यादा. ठीक है, जॉइंड बाय कंजंक्शन, जिन लोग एक दूसरे से कैसे जॉइंड है? कंजंक्शन से. कंजंक्शन मतलब एंड, ये सब आपको पता है. फॉर एग्जाम्पल, Divya has a gold chain, full stop. Divya has a locket. ठीक है, तो ये दो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है. मान लो मैं फुल स्टॉप की जगह एंड घुसा दूं, यहाँ एंड एंड. ठीक है, आई एम रिप्लेसिंग द फुल स्टॉप विद एन एंड, तो मुझे ध्यान से बताना क्या होगा. ठीक है। एंड तो आप देख रहे हो दिव्या इज अ गोल्ड चेन एंड दिव्या इज अ लॉकेट। बोलते हैं ना हम लोग ऐसे, हमारे पास दो दो चीजें हैं तो एंड यूज करते हैं। एंड मैंने जस्ट यहाँ कैपिटल लेटर्स में दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनरल राइटिंग में इसको कैपिटल में लिखोगे। सो दिव्या हैज अ गोल्ड चेन एंड अ लॉकेट, ऐसे बोलते हो ना एक संग। तो यहाँ पे वापस दिव्या नहीं लिखते हो राइट, तो उसको मैं हटा देती हूँ। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है? हाँ, दिव्या हैज अ गोल्ड चेन एंड हैज अ लॉकेट, तो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है, तो दोनों ही तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को किससे ज्वाइन किया गया है? कंजंक्शन, जो कि एंड है। एंड मेरा यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन। तो ये कौन सा क्लॉज का फीचर को सेटिस्फाई कर रहा है? इट बिकम्स अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ये कौन सा स्टेटमेंट बन गया? कंपाउंड स्टेटमेंट। क्लियर है? सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस समझ में आया आपको? सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज रहते हैं, ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस ऑलवेज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, और टू बी मोर स्पेसिफिक वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट। कंपाउंड में मैंने बोला दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम लोग कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं। कंजंक्शन कैन बी एनीथिंग, एंड, इफ, बट, एनीथिंग। ठीक है, अब आइए हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस सीखा, कंपाउंड सीखा, अब हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ध्यान से सुनना। वन वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेंगे वहां पे, प्लस वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होना जरूरी है। एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज तो यहाँ होना ही पड़ेगा, तभी कॉम्प्लेक्स होगा। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होगा। लाइक आप ये वाला स्टेटमेंट देखे थे, यहाँ पे मेरा कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं था, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज थे। ठीक है, बट यहाँ पे जो है आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, एक से ज्यादा, बट एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का होना नेसेसरी है। अगर आप सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं देखते हो तब तो वो कंपाउंड बन जाएगा ना, क्योंकि कंपाउंड में मैंने बोला कि वहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, सबऑर्डिनेट होते ही नहीं है। बट कॉम्प्लेक्स का फीचर को सेटिस्फाई करने के लिए वहां इंडिपेंडेंट क्लॉज के संग सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल मैं बता रही हूं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल, दिव्या has a chain and a locket which is made of gold। तो अब आप ध्यान से सुनना मेरा बात, दिव्या हैज अ चेन, क्या ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है? हाँ मैम। विच इज मेड ऑफ गोल्ड, क्या मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है? हाँ मैम। तो एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट दिख गया, ये पक्का कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में डालिए इसको। आप बोल रहे हो मैम एंड भी तो है, हाँ एंड है, लेकिन उसके संग आप देख रहे हो एंड द लॉकेट है, यानी ये अगर खाली ये दोनों होता तब कंपाउंड होता, नो डाउट, बट इसके संग एक सबऑर्डिनेट भी तो है, तो हम उसको सिर्फ कंपाउंड नहीं बोल सकते, तब मुझे इसको कॉम्प्लेक्स बोलना पड़ेगा। एक्चुअली कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको सिर्फ कॉम्प्लेक्स बोलोगे। समझ रहे हो मेरा बात? तो कॉम्प्लेक्स में मैंने बोला वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस प्लस वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। एक्चुअली ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का फीचर मैंने आपको बोला है, ठीक है, बट आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसी में करो। आपको बस इतना याद रखना है, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना है, दैट्स इट। कंपाउंड स्टेटमेंट में जहां एंड बट देखोगे, आंसर इज कंपाउंड। ठीक है, सिंपल में वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट, मैटर इज ओवर। अब आइए हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, आपको इससे और क्लैरिटी मिलेगा। आइए, देखो मैंने क्या बोला था, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। नाइट कम ऑन एंड रेन फेल हेवीली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट। देख रहे हो दो बार एंड यूज किया है, यानी यहाँ पे नाइट कम हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, रेन फेल हेवीली सेकेंड, वी गॉट वेट थर्ड, तीनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यानी दिस बिकम्स कंपाउंड। और तीनों को किससे ऐड किया हुआ है? कंजंक्शन से, एंड वर्ड से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए मैंने क्या बोला, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना है and at least one dependent clause, like human brain never stops working until you stand up to speak in public. So human brain never stops working becomes independent until you stand up, मतलब क्या हो गया, and speaks in public becomes your dependent clause. So this becomes your complex sentence. ठीक है, आज हम लोग जो एमसीक्यूज करेंगे ना उसमें आई विल गिव यू स्टेटमेंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, सो डोंट वरी फॉर दैट। चलो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप मुझे आइडेंटिफाई करो कौन सा स्टेटमेंट है, ठीक है? ध्यान से सुनना। बोलो कौन सा स्टेटमेंट है ये, टेल मी द आंसर। आंसर बताओ मुझे फटाफट। आई हैव अ ब्लैक कार, विच स्टेटमेंट इट इज? आई हैव अ ब्लैक कार, विच स्टेटमेंट इट इज? फटाफट मुझे आंसर दो। वेरी इजी, सिंपल सेंटेंस है ना, एक सब्जेक्ट यानी आई, उसके पास एक ब्लैक कार है, दैट बिकम्स योर प्रेडिकेट। सो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, ये आपका क्या बन गया? सिंपल सेंटेंस, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, आई हैव अ कार विच इज ब्लैक इन कलर। अब ये मुझे बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, टेल मी। सेकेंड वाला बताओ कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है, क्या है बताओ मुझे। I have a car is an independent clause, which is black in color becomes your dependent clause. सिंपल सेंटेंस में तो डिपेंडेंट क्लॉज होता ही नहीं है, यहाँ पे दो क्लॉजेज है, एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है। तो मैंने आपको बोला जब भी आप सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज देखोगे तो वो कौन सा सेंटेंस बन जाता है। आई हैव अ कार तो एक सिंपल सेंटेंस हो गया, उसके संग विच इज ब्लैक इन कलर बिकम्स योर सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज satisfies the feature of which sentence? Complex, yes. So यहाँ पे correct answer हो गया complex. आपने यहाँ पे नहीं देखा कि दो independent clause है ना, conjunction का use हो रहा है तो compound तो होगा नहीं ना, compound का होने के लिए आपका and, but ये सब होना जरूरी है words, ठीक है? ध्यान से सुनना, next statement. I have a car and I go to my school in the car daily. चलो अब मुझे इसका आंसर बताओ, ये कौन सा स्टेटमेंट है? आई हैव अ कार एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई गो टू माई स्कूल इन द कार डेली वो भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और आप देख रहे हो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को किस चीज से जोड़ा गया है? एंड वर्ड से। और एंड वर्ड आते ही मतलब कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन यूज हुआ है, मतलब ये पक्का कौन सा स्टेटमेंट है? कंजंक्शन यूज होते ही, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है और दोनों को जोड़ा गया है कंजंक्शन यूज करके, यानी कि ये पक्का कौन सा सेंटेंस है बच्चा लोग? कंपाउंड स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है? कंपाउंड स्टेटमेंट। देख लो एक बार फटाफट, वेरी क्विकली। तीनों एग्जाम्पल पढ़ो, आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट में। चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्लैरिटी मिला कि नहीं, बहुत इजी है, लिख कर बताओ मुझे। प्रेफिक्स क्या होता है? जो वर्ड्स के पहले आता है। सफिक्स क्या होता है? जो वर्ड्स के बाद आता है। हम लोग डायरेक्टली करेंगे प्रेफिक्स। प्रेफिक्स ऐड करने से पूरे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, लाइक बॉडी, एंटीबॉडी, पूरा मीनिंग चेंज हो गया। बैक्टीरियल विच मीन्स एन इन्फेक्शन, एंटी बैक्टीरियल मतलब उसको अपोजिंग, तो इन लोग को हम लोग अपोजिंग प्रेफिक्स बोलते हैं, जो कि पूरा वर्ड का अपोजिट हो गया। क्लॉकवाइज इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज कर दोगे उसको तो पूरा अगेंस्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं अपोजिंग। अपोजिंग मतलब पूरा वर्ड का मीनिंग को रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, ठीक है? इन्फ्लेमेटरी मतलब जल रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जिससे जलन नहीं होगा, ठीक है? नेगेटिव प्रेफिक्सेस होता है, लाइक ह्यूमन बॉडी सिमेट्रिक, आप उसमें ए वर्ड यूज करोगे, ए सिमेट्रिक बोल दोगे तो मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है? नॉर्मल, एब नॉर्मल बोल दोगे तो मतलब वो नहीं है नॉर्मल। सो ऐसा वर्ड जिसके डालने से पूरा वर्ड नेगेटिव हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव प्रेफिक्सेस, लाइक असिमेट्रिक, एनोएरोबिक, इनकॉन्सोनेंट, इनजस्टिस, जस्टिस मतलब अच्छा, इनजस्टिस, विल, इलविल, लीगल, इनलीगल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना प्रेफिक्स क्या होता है, वर्ड्स के पहले डाला जाता है और जो पूरे वर्ड का मीनिंग को चेंज कर देता है, ठीक है। रिवर्सिवेटिव भी होता है, लाइक फ्रीज, डी फ्रीज कर देना मतलब पूरा ऑपोजिट हो गया तो उसको रिवर्स कर देना। डेरिवेटिव मतलब उससे डिराइव हुआ, बग, डीबग, फ्रॉस्ट, डीफ्रॉस्ट, ठीक है। फिर आपने सुना होगा ना पोस्ट मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, तो ये सब हो गया टाइम के रिलेशन में। आउटडोर, इनडोर, डोर सिर्फ इनडोर आउटडोर लगाने से पता चलता है अंदर है कि बाहर है, तो प्लेस, पोजीशन, ये सब पता चल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लेस प्रेफिक्सेस, ठीक है। वैसे साइज होता है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मीडियम, ठीक है, तो मिनी बस जो कि साइज को डिनोट कर रहा है। टाइम भी होता है, बोलते हो ना मेरा एक्स गर्लफ्रेंड या मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, ठीक है, एक्स वाइफ, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स स्टूडेंट, तो हो गया टाइम प्रेफिक्सेस, ओके। वैसे ही नंबर प्रेफिक्स होता है, मोनोरेल मतलब सिंगल, बाइलैटरल मतलब टू, डुओ, डुओपोली, मोनोपोली हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, तो इस तरह टाइम से भी होता है, टेट्रा, क्वाड्रा, ठीक है। सो ये सब हो गए प्रेफिक्स। सफिक्स होते हैं जो वर्ड्स के बाद आते हैं, लाइक बेट्रेयल, तो एल इज अ सफिक्स विच इज कमिंग आफ्टर द वर्ड। डेफरल, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं मेरा सिखाने लायक। हाँ, पंचुएशन में आ जाओ, पंचुएशन के बारे में क्या बताया बताओ। स्पेस कब यूज करते हो वर्ड या सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए, मीनिंग क्लियर करने के लिए, तो मीनिंग नहीं समझ में आएगा। फुल स्टॉप यूज करते हो ताकि एक सेंटेंस को डिक्लेयर कर सको कि वो खत्म हो चुका है, सो इट इज यूज टू एंड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए। तो ये सब एग्जाम में पूछता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं पंचुएशन, आंसर इज फुल स्टॉप, ठीक है। फिर हम लोग फुल स्टॉप ये फुल फॉर्म के लिए भी यूज करते हैं, मिस्टर, प्रोफेसर, एटसेट्रा। कॉमास कब यूज करते हैं, दो मेन क्लॉज को सेपरेट करना है तब यूज करते हैं हम लोग। एंड की जगह हम लोग कॉमा भी यूज कर सकते हैं, तो जहाँ कंजंक्शन उसकी जगह यू कैन यूज अ कॉमा। हाइफन कब यूज करते हैं, दो वर्ड्स को मीनिंग, दो वर्ड्स कंपाउंड वर्ड्स के बीच में यूज करते हैं। सेमीकोलन टू सेपरेट टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कोलन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, द एक्सप्लेनेशन इज एज फॉलोज, एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज, तो कोई भी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो या कोटेशन, हम लोग यूज करते हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, तो कोलोन यूज होता है। एपोस्ट्रोफिस का एस कब यूज होता है आपको पता है, कोई जैसे ऑथर को आप रेफर करो तो वॉल्टर्स बुक, तो एपोस्ट्रोफिस एस, ठीक है। तो ये सब मतलब बहुत बचकाना चीज है जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ। इस तरफ देख लो, एक संग प्रीपोजिशन, ठीक है। घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ब्रेक, आप रिविजन करो, एक बार पेज पलटा लो फटाफट, उसके बाद हम लोग वोकैबुलरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ कुछ सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम, होमोफोन, ये सब जो है लर्न करने वाले हैं, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, फॉरेन वर्ड्स, एब्रिविएशंस। ये सब कुछ पढ़ने का नहीं है, डायरेक्टली हम लोग सिनोनिम से स्टार्ट करें। 2 मिनट्स का ब्रेक दे रहे हैं, मुझे मिलोगे यहाँ पे शार्प तो 2 मिनट्स बाद, ठीक है। वेरी इजी, इंग्लिश कम्युनिकेशन इज वेरी इजी। चलो द ब्रेक इज ओवर, फटाफट आ जाओ। मतलब ये सब क्लास बहुत ही इजी है, क्या बताएं इसके बारे में, बताओ। चलो आ जाओ। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग, नाम से समझ में आ रहा है सिनोनिम। और हिंदी में बात करें तो पर्यायवाची शब्द, ठीक है। क्विकली आ जाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। कहाँ चले गए? ब्रेक दिया था तो क्या लंच वंच करने चले गए क्या? अभी लंच टाइम थोड़ी है, आ जाओ। तो अब इसमें से क्या ना, एग्जाम में बहुत सारे वर्ड्स कॉमन आ जाते हैं, तो हम लोग एक एक दो दो तीन तीन चार चार रैंडमली वर्ड्स करेंगे। मेन क्लास में तो सारे वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको लर्न करवाया है, बट यहाँ पे हम लोग का रिविजन क्लास है बिकॉज, तो यहाँ रैंडमली हम लोग करेंगे। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? स्किल्ड होना, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होना, ठीक है। तो लर्न करते जाओ मेरे संग, एक बार सुनोगे याद हो जाएगा। एडेप्ट मतलब स्किल्ड, और वैसे भी ऑप्शंस तो रहेंगे तो देख के याद आ ही जाएगा। एब्सटेन करना मतलब रिफ्रेन करना, विदहोल्ड करना, रेस्ट्रिक्ट करना। एब्रिज मतलब काट देना, कर्टेल करना, शॉर्टेन करना। अबेंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, बहुत सारा, प्लेंटीफुल। एक्सेसरी मतलब एडिशनल, आप बोलते हो ना मैंने ये सारे एक्सेसरीज लिए मोबाइल फोन के संग, तो ऑक्सिलरी आइटम एडिशनल। अचीव मतलब टू अकम्प्लिश समथिंग। एडेप्ट मतलब यू आर वेरी प्रोफिशिएंट। एडुक्वेट मतलब सफिशिएंट। एडहेरेंट मतलब फॉलोअर, ठीक है। एडमायरेशन, किसी को एडमायर करना मतलब किसी को प्रेज करना। ब्रिस्क मतलब वेरी अजाइल, वेरी लाइवली। कैलस मतलब यू आर वेरी कैलस इन योर बिहेवियर, वेरी अनसिंपैथेटिक। जिन लोगों को कोई दया माया नहीं होता वो वेरी रूड, कैलस, कैलस बिहेवियर बोलते हैं उसको। बोलते हैं ना वी कॉर्डियली इनवाइट यू, तो कॉर्डियल मतलब ग्रेशियसली, ठीक है। कैप्टियस मतलब होता है हाइपरक्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल नहीं, हाइपरक्रिटिकल कंडीशन है। फिर एक कोजेंट होता है, उसका मतलब वैलिड। डेटोरिएट मतलब खराब होते रहना, लाइक योर परफॉर्मेंस इज डेटोरिएटिंग डे बाय डे, मतलब आपका परफॉर्मेंस खराब होते जा रहा है। डिक्लाइनिंग। डेक्सटरिटी मतलब स्किल। डाइडक्टिक मतलब मॉरलाइजिंग। एफेट मतलब एग्जॉस्टेड। एफिमेरल मतलब जिसका बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, डॉग्स का लाइफ आर एफिमेरल। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब जो बहुत ज्यादा खर्चीला टाइप का होता है, ठीक है। हु बिलीव्स इन स्पेंडिंग ओनली वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। फैब्रिकेट करना मतलब कोई भी कहानी को जो है बुनना, बोलते हैं ना ही हैज कॉन्कॉक्टेड अ स्टोरी वेरी वाइजली, मतलब गलत कहानी किसी को सुनाना, सो दैट इज कॉल्ड फैब्रिकेटिंग। बोलते हैं ना अपना कहानी मत बुनो, अपना कहानी मत बोलो, सो दैट इज कॉल्ड फैब्रिकेशन। फेटल मतलब डेडली, फेटल कैंसर इज अ फेटल डिजीज। फास्टिडियस मतलब वेरी मेसी। गेटी मतलब फेस्टिविटी, मेरीमेंट। जाइजेंटिक मतलब बहुत ही बड़ा, ह्यूज। हैजार्डस मतलब वेरी डेंजरस। इनएडवर्टेंट मतलब केयरलेस। इंसीडियस मतलब वेरी शार्प, कनिंग। जुडिशियस मतलब सेंसिबल। मलाइस मतलब इनविल, मैलिस होता है। मॉर्बिड मतलब वेरी सिक। नेग्लिजेंट मतलब केयरलेस होता है। ऑब्ट्यूस इज वेरी डल। ओनरस मतलब बर्डनसम। पेनर्गिक मतलब एलओजी, ठीक है। जेनिथ का मतलब क्या होता है? आई हैव अचीव द जेनिथ ऑफ माई करियर, मतलब टॉपमोस्ट पॉइंट, ठीक है। सबमिट। Yearn मतलब टू क्रेव फॉर समथिंग। होलसम मतलब वेरी हेल्दी। तो अब मैं फटाफट जो है आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप फटाफट ये सिनोनिम्स को रिवाइज करो, और मैं रैंडमली आपसे पूछूंगी और आपको चैट बॉक्स में लिखना होगा, तभी मजा आएगा। फटाफट 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इट्स लाइक अ क्विज। आपको 2 मिनट में जितना आप लर्न कर पा रहे हो करो, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चन। फटाफट वेरी क्विकली। रेडी? चलो जेनिथ का मीनिंग बताओ फटाफट वेरी क्विकली। जेनिथ का मतलब क्या होता है? जेनिथ, जेनिथ का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड जेनिथ मींस? जेनिथ का मतलब क्या होता है? जेनिथ, फटाफट आंसर दो। जेनिथ का मतलब क्या होता है? जेनिथ का मतलब क्या होता है? सबमिट, टॉपमोस्ट पॉइंट। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट कैलस का मतलब बताओ। कैलस, बहुत ही उसका बिहेवियर ना कैलस है, दया माया नहीं है। कैलस, कैलस, आई वॉन्ट द मीनिंग ऑफ कैलस। अनसिंपैथेटिक, वेरी रूड, ओके। नेक्स्ट, एडेप्ट का मतलब बताओ। Tell me the meaning of adept. A-D-E-P-T, adept. बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होना, चालाक, प्रोफिशिएंट, एडेप्ट का मतलब। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आप मुझे मतलब बताओगे मैलिस का। कोई से दुश्मनी है तो बोलते हो ना, आई हैव अ strong malice with that person. Malice, bad intentions, ill will. ठीक है, malice, malice का मतलब ill will. ओके, अब मैं आपसे रैंडमली जो है ना एंटोनिम भी पूछ रही हूं, आप आंसर दो मुझे। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट्स। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ऑल्दो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, आपको शायद नहीं भी पता, तो भी आपको ये ऑपोजिट्स का आंसर आता होगा, वेरी इजी। चलो मुझे बताओ, लाउड। लाउड का एंटोनिम क्या है? लाउड, लाउड का एंटोनिम क्या है? बहुत ही लाउड होना, उसका एंटोनिम यानी उसका ऑपोजिट। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ लाउड? लाउड का ऑपोजिट क्या है? लाउड का ऑपोजिट क्या है बच्चा लोग? लाउड का ऑपोजिट सॉफ्ट, वेरी इजी। नेक्स्ट, मीगर। मीगर मतलब स्मॉल होता है, मीगर मतलब स्मॉल, लिटिल अमाउंट। उसका ऑपोजिट बताओ। कैन आई से प्लेंटीफुल? बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब आपको पता है, फुक्कड़ हो जाना। इसको ऑपोजिट बताओगे, बैंकरप्ट का ऑपोजिट मतलब आप फुक्कड़ नहीं हो, इनसॉल्वेंट नहीं हो, यानी सॉल्वेंट। ठीक है। ओरल, चलो मुझे ओरल का ऑपोजिट बताओ। ओरल का ऑपोजिट, टेल मी द ऑपोजिट ऑफ ओरल। ओरल, रिटन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। फ्लेक्सिबल का आंसर बताओ मुझे। फ्लेक्सिबल का आंसर, टेल मी द आंसर ऑफ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का आंसर क्या होगा? फ्लेक्सिबल का आंसर बताओ फटाफट चैट बॉक्स में लिखकर। फ्लेक्सिबल का आंसर बताओ। फ्लेक्सिबल मतलब कैन बी इजिली चेंज्ड, और जो इजिली चेंज नहीं हो सकता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी रिजिड। तो फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट हो गया रिजिड। ठीक है। एग्जिट, एग्जिट को ऑपोजिट बताओ फटाफट। एग्जिट को ऑपोजिट, ये तो इतना इजी है। मूवी हॉल में जाते हो तो एक साइड एंटर गेट लिखा रहता है, एक साइड एग्जिट लिखा जाता है। तो एंट्री और एंटर इज ऑपोजिट ऑफ एग्जिट। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब जो खर्चा सोच समझ के करता है, उसका ऑपोजिट अभी हम लोगों ने ऊपर सिनोनिम में भी किया था, जो बहुत केयरलेस होता है अपने खर्चों में। एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट। क्लियर है यहाँ तक? लर्न हो गया आप लोगों को? तो देख लो कितना इजी है ये सब। तो अब ये सब को रट के जाना विल बी बेवकूफी अकॉर्डिंग टू मी। तो एंटोनिम तो बहुत इजी है, सिनोनिम एक बार पढ़ लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। और जरूरी भी नहीं है यही सारे सिनोनिम आपसे पूछे जाए एग्जाम में, बट कितना बार सेम आ भी जाता है, तो इसलिए मेरा आइडिया, मेरा एडवाइस ये रहता है बच्चा लोगों की सिनोनिम एक बार पढ़ कर जाया करो। नेक्स्ट, होमोफोन क्या होता है? होमोफोन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। फोन का मतलब होता है साउंड। तो ऐसे वर्ड्स जिसके साउंड मतलब जब आप वो वर्ड स्पीक करते हो, दे साउंड सिमिलर बट द मीनिंग इज डिफरेंट, स्पेलिंग इज डिफरेंट। तो होमोफोन्स क्या बोलते हैं? दोज वर्ड्स जिन लोग का साउंड इज सेम, साउंड करने में उन लोग सेम है बट स्पेलिंग एंड मीनिंग आर डिफरेंट। स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स दोनों ही अलग अलग है, स्पेलिंग्स भी अलग है, मीनिंग्स भी अलग है. स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स बोथ आर डिफरेंट बट साउंड इज सेम. लाइक एक्सेस, एक्सेस आप एक्सेस मतलब जब ज्यादा में हो जाता है आप उसको भी एक्सेस बोलते हो. और द वर्कर हैज बीन गिवन एन एक्सेस इन द कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट, तो एक्सेस मतलब एंट्री देना, सो दैट इज ऑल्सो एन एक्सेस, परमिशन देना कोई चीज का. तो ऑल्दो यू विल फाइंड द साउंड इज सेम बट स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, राइट. तो इसी को होमोफोन बोलते हैं. फोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि साउंड सेम है बट स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग भी अलग अलग है. जैसे एक्सेस, एक्सेस एक एक्सेस हो गया अप्रोच करना, द वर्कर्स कुड एक्सेस द मैनेजर, एक एक्सेस हो गया ज्यादा, ठीक है. आई हैव ईटन द आइसक्रीम इन एक्सेस, सो दैट इज एक्सेस ऑफ. समझ रहे हो ना डिफरेंस. फिर एक होता है एडवाइस और एडवाइस, दोनों का साउंड सेम है. एक एडवाइस सी वाला एडवाइस जो होता है नॉर्मल एडवाइस, एनी वन कैन ऑफर फ्री एडवाइस. और एक जब आपको पर्टिकुलरली किसी ने एडवाइस दिया, लाइक माय फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, सो दैट इज एडवाइस. क्लियर है? एस ई समझ में आ रहा है. तो उसका ऑल्दो द स्पेलिंग इज एस ई बट एडवाइज्ड जेड से उसका साउंड आ रहा है, और ये एडवाइस एस का साउंड आ रहा है. समझ रहे हो मेरा बात? एडवाइस, एडवाइज, एडवाइस कॉमन हो गया, एडवाइज टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है. एट, तो अब एट एट बोलते हो ना, एट, एट इज अ नंबर एंड एट मतलब खा लेना, तो आपको समझ में आ गया होगा ये सब. फिर एक हमारा होता है होमोनिम. होमोनिम तो वो होता है अगेन साउंडिंग सेम, स्पेलिंग ऑल्सो सेम. यहाँ स्पेलिंग भी सेम होता है, वहां कम से कम स्पेलिंग तो अलग है, स्पेलिंग भी सेम है बट मीनिंग्स अलग होते हैं. बट मीनिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बियर, आई कांट बियर दिस चिलिंग कोल्ड एनी मोर, तो एक बियर हो गया टू टॉलरेट. येस्टरडे आई वेंट टू द जू एंड सॉ अ ब्लैक बियर, तो दोनों ही बियर, स्पेलिंग भी BER बट दोनों बियर का मतलब अलग है. एक बियर एनिमल हो गया, एक बियर हो गया टू टॉलरेट समवन. समझ रहे हो? तो एक बियर हो गया मेरा एनिमल और एक बियर हो गया टू टॉलरेट समवन, ठीक है. तो यहाँ पे देख रहे हो स्पेलिंग भी सेम है. बैट, एक बैट हो गया बैट, एक बैट हो गया जिसकी वजह से एपिडेमिक आया था, पैंडेमिक आया था रादर, कोरोना वायरस, बैट, ठीक है. तो आई एम अफ्रेड ऑफ बैट्स, या फिर इट्स हिज फर्स्ट टाइम एट बैट इन द मेजर लीग, और एक बैट होता है, ठीक है. एक बैट तो बैट एंड बॉल भी हो गया. मैच, एक मैच हो गया, ठीक है. मैच नहीं किया, उसका जो फिंगरप्रिंट्स है मैच नहीं किया उसके फिंगर, उसका फोरेंसिक लैब में, तो एक वो मैच हो गया. इफ यू सस्पेक्ट अ गैस लीक डू नॉट स्ट्राइक अ मैच, एक हो गया मैच स्टिक वाला मैच, मैच बॉक्स वाला मैच, ठीक है. तो यहाँ देख लो स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग अलग है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोनिम एंड होमोनोम, ठीक है. होमोफोन, सॉरी, होमोफोन और होमोनिम में ये डिफरेंस है. होमोफोन में स्पेलिंग्स अलग अलग है एटलीस्ट, मीनिंग अलग अलग है. यहाँ स्पेलिंग भी सेम है, मीनिंग्स अलग अलग है होमोनिम में. ऑलराइट. फिर याद है हम लोग बचपन में हिंदी में करते थे अनेक शब्दों के एक शब्द, आपको याद है? अनेक शब्दों के एक शब्द करते थे, तो वही हो गया सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड. प्लीजेंट साउंड होना बोलते ना, कोयल की आवाज बहुत मधुर होती है, प्लीजिंग साउंड, उसको हम लोग बोलते हैं यूफोनी. क्या बोलते हैं बताओ? यूफोनी, ठीक है. फिर उसके बाद कोई भी चीज जो इजिली टूट जाता है, द थिंग विच कैन बी इजिली ब्रोकन, फ्रेजाइल, ठीक है. द प्लेस वेयर एन एरोप्लेन इज हाउस्ड, हैंगर बोलते हैं. डेलिबरेटली किलिंग ऑफ अ ओन कम्युनिटी और उसको जेनोसाइड बोलते हैं, ठीक है. टू शो इंडिसिजन, मतलब कभी इधर कभी उधर, आप समझ नहीं पा रहे, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, उसको बोलते हैं वेसिलेट. You are vacillating from your decision. I am unable to come to a conclusion. I am vacillating. ठीक है. A person who is dissatisfied, malcontent बोलते हैं. Content मतलब satisfaction, malcontent मतलब not satisfied. To pretend to be sick in order to avoid work. जब लोग नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं बीमार होने का ताकि उन लोग को काम ना करना पड़े, उसको बोलते हैं मैलिंगर, ठीक है. फिर उसके बाद जिसका कोई प्लेस या फिक्स लोकेशन नहीं होता, भटकते रहते हैं इधर से उधर, उसको नोमैड बोलते हैं. तो नोमैड के बारे में तो आप जानते ही होंगे. Study of collection of coin को हम लोग न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं, ठीक है. किसी को मर्डर करके रिवेंज लेना, उसको बोलते हैं वेदांता, ठीक है. वेंडेटा बोलते हैं, वेंडेटा. और डेलिबरेटली किसी का प्रॉपर्टी को जाकर आप डैमेज करते हो, उसको वैंडल बोलते हैं। तो मैं फिर से आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ। मैं अभी रैंडमली आपसे क्वेश्चन करूंगी, अनेक शब्दों के एक शब्द, फटाफट रिवाइज करो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है? फटाफट एक बार देख लो, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, रिवाइज इट। वेरी क्विकली, फास्ट। फिर हम लोग को जो है फॉरेन वर्ड्स करना है एक दो ठो। वेरी फनी अक्षत। अच्छा ये तो बता दो, आज क्विज खेलना है कि नहीं? रात में 9 बजे, आज 9 बजे ही रखे क्विज कि कल रखे कि सुबह रखे, बताओ। ऑल राइट, चलो मुझे आंसर दो। प्लीजेंट साउंड को क्या बोलते हैं? वेरी क्विकली आंसर मी। प्लीजेंट साउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लीजेंट साउंड को क्या बोलते हैं? यूफोनी। द प्लेस वेयर एरोप्लेन इज हाउस्ड, हैंगर, ठीक है? डिलिबरेटली जब आप डैमेज करते हो कोई के प्रॉपर्टी को, उसको क्या बोलते हैं? वैंडल। अ पर्सन हु इज डिससैटिस्फाइड एंड ऑलवेज रेडी टू फाइट, क्या बोलते हैं उसको? मैलकंटेंट। ओके, चलो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे, स्पेलिंग एरर्स मैं आपको नहीं कराऊंगी, वो आपको आता है, ठीक है? एब्रीविएशंस भी देख लो। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म, तो आपको ये सब तो पता है। एमए का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, पीएम मतलब पोस्ट मेरिडियन होता है, एमएस मतलब मैनुस्क्रिप्ट होता है, ठीक है? ये सब सिंबल्स है। बोलोगे केमिस्ट्री भी डाल दिया यहाँ। सीए का सिंबल है कैल्शियम हाइड्रोजन सोडियम क्लोराइड, ठीक है? फिर उसके बाद केजी मतलब किलोग्राम, तो ये सब कोई पढ़ाने लायक चीज है। ईडियम्स कर लेते हैं हम लोग। ईडियम्स मतलब आपको पता है मुहावरे। बीट बैक करना मतलब कॉम्पेल टू रिट्रीट, ठीक है? मतलब कि डिफीट एक्सेप्ट कर लेना, मजबूरन डिफीट एक्सेप्ट कर लेना, उसको बोलते हैं बीटन बैक। द फायरमैन वेर बीटन बैक बाय द फ्लेम्स ऑफ द बिल्डिंग। बॉइल डाउन करना मतलब कम टू अ कंक्लूजन। कास्ट असाइड मतलब रिजेक्ट कर देना, ठीक है? ग्लॉस ओवर मतलब किसी को इग्नोर करना। प्ले ऑफ अगेंस्ट मतलब टू सेट वन पार्टी अगेंस्ट अनदर फॉर योर ओन एडवांटेज। पुल वन थ्रू मतलब किसी को हेल्प करना। टू कैच अ टार्टर मतलब किसी को कोई, जैसे हिटलर इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ठीक है? तो वेन हिटलर मार्च ऑन टू रशिया, उसको नहीं पता था कि ही वुड कैच अ टार्टर इन द टफ पीपल ऑफ दैट कंट्री, ठीक है? कोई अपने जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी को मीट करना, डेट इज कॉल्ड टू कैच अ टार्टर। टू कट द गॉर्डियन नॉट मतलब बहुत बड़ा डिफिकल्टी को रिमूव कर देना अपने लाइफ से। To fall to someone's lot मतलब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में पड़ जाना। लाइक आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर द सिस्टर बिकेम द फॉलन टू द लॉट ऑफ हिज ब्रदर, ठीक है? ऑफ हर ब्रदर, सो दैट इज कॉल्ड टू फॉल इन टू समवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू गिव समवन द स्लिप मतलब चकमा देकर भाग जाना, जैसे बोलते हैं ना पुलिस वाले को चकमा देकर चोर भाग गया। सो इन दैट केस द पुलिस हैड नियरली अरेस्टेड द डेकेट्स व्हेन द लेटर गिव देम द स्लिप। गिव देम द स्लिप मतलब चकमा दे देना। गिव एंड टेक पॉलिसी मतलब एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, जो कि आज की दुनिया उसी पॉलिसी से चलती है, ठीक है? आप हेल्प करो, रिटर्न में वो आपको हेल्प करेगा, आप कुछ नहीं करो रिटर्न में वो भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है? टू मेक शॉर्ट ऑफ मतलब सडनली बंद कर देना। टू मेक अमेंड मतलब रेक्टिफिकेशन करना। यू कैन अमेंड फॉर योर रॉन्ग डूइंग्स, ठीक है? सो इस तरह से आपको रैंडमली मैं करवा दे रही हूँ। टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन मतलब टू डिस्करेज समवन, जैसे कोई कोई का आदत होता है हर समय आकर आपको डिस्करेज करेगा। बोलेगा नहीं ऐसे नहीं होता है, आप बोलोगे ना मुझे ये करना है, वो बोलेगा नहीं कैसे करोगे कैसे होगा। सो मतलब आपके प्लान्स को डिस्करेज करना, ऑलवेज समवन इज डिस्करेजिंग यू एंड योर स्पिरिट। सो मतलब यू विल से दैट दिस पर्सन ऑलवेज इज इन हैबिट ऑफ थ्रोइंग कोल्ड वाटर अपॉन माई डीड्स। तो जब एक तरफ होते हैं एक लोग होते हैं जो एनकरेज करते हैं आपको कुछ करने के लिए, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं, हर समय बोलेंगे ये मत करो वो मत करो। सो दैट इज कॉल्ड एज टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन समवन। ठीक है, टेबल्स आर टर्न, जैसे कि मैं क्विज में बोलती रहती हूँ टेबल्स टर्न होने वाला है, टेबल्स टर्न होने वाला है, मतलब कि कोई जो हार रहा था अभी वो जीतने लग गया, तो दैट मीन्स टेबल्स हैव गॉट टर्न। ठीक है, सो इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे है। टू करी फेवर मतलब किसी का दिल जीतना, उसका मक्खन पॉलिश करके फ्लैटरी करके। टू ईट हम्बल पाई मतलब कोई और आपका इंसल्ट करे, आपने खुद ही को अपना इंसल्ट कर लिया पहले ही। ठीक है, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट एक रहता है मतलब खुद ही का गाजा बाजा बजाना, मतलब कोई कोई लोग ऐसे होते हैं हर समय अपना तारीफ मुंह मियां मिठू अपने ही तारीफ करते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। सो दैट इज कॉल्ड टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ठीक है, बैड ब्लड मतलब इल विल। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब मैटर ऑफ डिस्प्यूट, लाइक कश्मीर हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन। बॉसम फ्रेंड मतलब वेरी क्लोज फ्रेंड। ठीक है, तो ये सब जो है आपको एक बार रीड करना पड़ेगा, मैंने मेन क्लास में पूरा डिस्कस कराया था। 3R मतलब मास्टरी इन रीडिंग राइटिंग। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद मैं जो आपको बोल रही थी हम लोग फॉरेन वर्ड्स डिस्कस करते हैं, वो भी एग्जाम में आता है। अला काटे, दीज आर वेरी कॉमन फेमिलियर वर्ड। एफ मतलब फ्रेंच, एल लिखा हुआ ब्रैकेट में मतलब लैटिन। ठीक है, अला काटे, जैसे आप जाते हो ना तो आपसे पूछता है मैम आप बुफे प्रेफर करोगे, सर आप बुफे प्रेफर करोगे कि अला काटे मेन्यू। बुफे मतलब एक स्प्रेड रहता है ना डाइनिंग रेस्टोरेंट में जहाँ पे आपको एक फिक्स अमाउंट पे करना होता है, आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हो। बट अला काटे में क्या होता है, आप मेन्यू कार्ड से ऑर्डर करते हो एंड द फूड इज ऑल्सो लिमिटेड इन क्वांटिटी। तो अला काटे मतलब हो गया लिस्ट ऑफ डिशेज विच यू ऑर्डर बाई सीइंग द कार्ड मेन्यू। ठीक है, फिर उसके बाद अमोर प्रॉपर आप सुने होंगे, सेल्फ लव मतलब जो खुद को ही प्यार करता है अमोर प्रॉपर। ठीक है, फिर उसके बाद अप्रायोरी फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट, अप्रॉपस मतलब विथ रेफरेंस टू एल मतलब लैटिन। ठीक है, फिर एवॉन प्रॉपस का मतलब प्रिमिनरी, बॉक्स स्पिरिट का मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी, बॉर्न वॉयज। आजकल हम लोग कोई बाहर घूमने जाता है तो देखते हो ना क्या बोलते हैं, हैव अ गुड जर्नी की जगह बोलते हो बॉर्न वॉयज, स्टाइल मारते हो। बॉर्न वॉयज फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है। सो बॉर्न वॉयज का मतलब हैव अ गुड जर्नी। गोल्डी जितना मैं मार्क करवा रही हूँ उतना तो आप याद करो एटलीस्ट। ठीक है, अगर आपने मेरा मेन सारा क्लास किया होता है तो जिन्होंने मेरा मेन सारा क्लास किया उन लोगों को तो सारा याद होगा, क्योंकि मैंने इडियम्स के लिए एक अलग से क्लास लिया था, एक एंटोनिम सिनोनिम के लिए अलग से क्लास लिया था। बट डोंट वरी, जितना ज्यादा हम लोग क्विज खेलेंगे ना उतना ज्यादा आप फेमिलियर हो जाओगे और एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगा। बिजारे मतलब स्ट्रेंज सिचुएशन, तो जो कॉमन क्वेश्चन है जो आते हैं वो मैं आपको मार्क करवाते जा रही हूँ। बिजारे मतलब वेरी स्ट्रेंज ऑकवर्ड पोजिशन। बोनाफाइड मतलब जेन्युइन रीजन, आई हैव अ बोनाफाइड रीजन। सो बोनाफाइड मतलब जेन्युइन रीजन। ठीक है, फिर एक होता है आपका वर्ड डी नोवो, डी नोवो मतलब अगेन। ठीक है, डर्नियर रिसोर्ट लास्ट रिसोर्ट। ऑन्टरप्रेनर इज ऑल्सो फ्रेंच वर्ड। एंड रापोर्ट मतलब इन हार्मोनी। एस्पेरेट डी कॉप्स आपको पता होगा, मैनेजमेंट में पढ़े होंगे, टुगेदर वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, यूरेका, देखते हो ना कभी कोई साइंटिस्ट ढूंढ लेता है, लाइक न्यूटन ने जब ग्रेविटी का लॉ डिस्कवर किया था एप्पल वाला, क्या बोला, यूरेका मतलब आई हैव फाउंड इट। एक्स ऑफिशियो मतलब बाय वर्च्यू ऑफ। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब विद रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन। गॉच मतलब व्हाट अ गॉचे अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन यू आर। ठीक है, इम्पैस मतलब अ डेडलॉक। होई पोलाई मतलब कॉमन पीपल। तो ये सब पता है, जब फ्री टाइम हो लर्न करना बहुत मजा आता है एंड देन यू यूज दिस वर्ड्स इन योर डेली लाइव्स। ठीक है, कॉमन पीपल की जगह आप क्या बोला, होई पोलोई। ठीक है, लेजिस्पियरी मतलब जहाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। नोटा बेन मतलब नोट वेल। ठीक है, साइनेडाई विदाउट द मीटिंग वॉज अर्जेंट। साइनेडाई मतलब विदाउट अ डे बीइंग अपॉइंटेड। स्टेटस को मतलब एग्जिस्टिंग कंडीशन। अल्ट्रावायरस मतलब बियॉन्ड वंस अथॉरिटी। जेजिस्ट मतलब डिफाइनिंग स्पिरिट ऑफ अ पर्टिकुलर एज। वाइवा वॉस आपको पता है ओरल एग्जामिनेशन को बोलते हैं। वाइज़ वर्सा मतलब कन्वर्सली। ठीक है, तो इस तरह से सारे चीज आपको लर्न करने पड़ेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे क्विज उतना इजीली आपको लर्न होगा। ठीक है, ये सब छोड़ दो, ये सब नहीं करना है, they were abbreviations only. घर पे सब देखोगे। नेक्स्ट एक कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में तो बहुत ईजी है, उसमें तो कुछ पढ़ाने लायक है नहीं। कॉम्प्रिहेंशन दिया रहेगा, उसी से आपको देखकर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कॉम्प्रिहेंशन से आंसर रीड करना है। लाइक पैसेज रीडिंग नहीं होता क्या, इट्स लाइक दैट। तो डायरेक्टली हम लोग इसका एक सैम्पल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो ये छोटा सा पैसेज हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो बहुत इजी। इंडिया लूजेस ग्रेन क्रॉप वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज एवरी ईयर बिकॉज ऑफ पेस्ट। पेस्ट मतलब कीटाणु, तभी तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज किया जाता है ना फील्ड में। इनफैक्ट द इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन मेड पॉसिबल बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च would become more evident if farmer is able to effectively combat the various pest and insect that destroy crop। ठीक है, crops को बोल रहा है जो destroy करते हैं ना pest, उन लोग को हम लोगों को हराना है, मतलब मार देना है। While some of the crops are destroyed after harvesting, a large quantity of grain is destroyed in the field. True that Indian farmer today is better able to combat this destroyer of grain, for he made available to him better storing facility for the harvested crop and modern chemical aids like insecticides with which he may spray the growing crops in the field, but one is to remember that not all insects are harmful। जो earthworm होते हैं for instance is a friend of man because it works like a dusty man by breaking up the dead leaves and woods from plant and mixes them with the soil, thus making the soil more richer। Therefore when a farmer sprays his field with chemical, वो खाली insect को नहीं kill करता है, friends को भी kill कर देता है, ठीक है। तो हम लोग को अब इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन किस टाइप का आएंगे, देखिए। अ लार्ज पार्ट ऑफ इंक्रीज फूड प्रोडक्शन किस वजह से लॉस्ट हो रहा है? इरिगेशन की वजह से, रेनफॉल की वजह से, कि हार्मफुल इंसेक्ट्स की वजह से? ऑब्वियसली हार्मफुल इंसेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्या करता है? नरिश करता है क्रॉप्स को, हार्वेस्ट करता है, स्टोर करता है? नहीं, बल्कि वो तो इंसेक्ट्स को किल करके क्रॉप्स को प्रोटेक्शन देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? टू प्रोटेक्ट द ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द फार्मर स्प्रेज इज फिल्ड विद केमिकल दैट किल्स इंसेक्ट, वो गुड इंसेक्ट और बैड इंसेक्ट को भी तो किल कर रहा है। पेस्टिसाइड जब आप छिड़कते हो तो वो क्या बोलता है? खाली बैड को किल करेगा, ऐसे थोड़ी होता है। जो गुड इंसेक्ट्स है दे आर आल्सो किल्ड ऑटोमेटिकली, सो ही किल्स गुड एज वेल एज बैड इंसेक्ट। द कॉमन अर्थवॉर्म, जो अर्थवॉर्म है वो तो फ्रेंड होता है ना फार्मर का, तो वो डिस्ट्रॉय करता है क्रॉप? नहीं। रिड्यूस करता है ग्रेन टू डस्ट? नहीं। लीफ को ब्रेकअप करता है? नहीं। सॉइल को रिच बनाता है? हाँ, ठीक है, वो तो फ्रेंडली है ना, क्रॉप फ्रेंडली होता है अर्थवॉर्म। आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हाट द फार्मर नीड इज, हार्वेस्ट करने के बाद आपको क्या चाहिए? जगह चाहिए कि हार्वेस्ट को अच्छे से स्टोर कर सको। सो अ गुड सप्लाई ऑफ सीड, एबिलिटी टू कॉम्बैट द वेदर, अ सेफ प्लेस फॉर स्टोरेज, के लॉट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। द करेक्ट आंसर इज अ सेफ प्लेस फॉर स्टोरेज, ठीक है। तो देख रहे हो कितना ईजी है ये सब क्वेश्चन। तो मैं तो चाहती हूँ कि पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आ जाए, 5 मार्क्स वहीं सिक्योर्ड हो जाएंगे बच्चे लोग के। बहुत इजी है ना, पैराग्राफ दिया रहेगा, पैराग्राफ से देख के आपको एमसीक्यू टिक करके आना है। एक जमाना था जब 11 12 में हम लोग थे या 10 में थे, हम लोग को लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ते थे पैराग्राफ से। लेसन क्या मिला आपको इसे? अभी तो सब मल्टीपल चॉइस है, तो बहुत इजी हो गया आपके लिए, ठीक है। सो इन दिस मैनर आई हैव डिस्कस्ड वन पैराग्राफ ऑल्सो। तो इस तरह से अलग अलग पैराग्राफ आएंगे, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो हम लोग का चैप्टर 4 भी कवर हो चुका है, मैंने एक डिस्कस कर लिया आपसे एक पैराग्राफ। You cannot expect me to discuss all the paragraphs along with you guys. So in this manner, I will just show you the index. हम लोगों ने पहला 4 chapters communication का complete कर लिया है। आइए देखते हैं कैसे। ये वाला किया हम लोगों ने, जिसमें parts of speech था, vocabulary किया, articles पढ़ लेना, a and the, ठीक है। passage हम लोगों ने कर लिया, business communication मैंने कल पढ़ा दिया था। तो आज जो मैं क्विज रखूंगी रात में 9 बजे, वो पहला 4 चैप्टर के बेस्ड रहेगा, ठीक है, बेसिस पे होने वाला है। फिर हम लोग का लास्ट का 4 चैप्टर बचा, जिसमें से चैप्टर 8 कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी रिपीटेशन है, पहला 7 चैप्टर्स का ही। तो बेसिकली हमारे ये 3 चैप्टर बचा, जो कि हम लोग मंडे स्टार्ट करेंगे। कल संडे मैं आपको ऑफ दे रही हूँ, मंडे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मंडे लाइव हम लोग 11 बजे मिलेंगे। आपको क्या करना है, आज 9 बजे मेरे संग क्विज खेलना है, शार्प 9 बजे आ जाना। पहला 4 चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके आओ। ट्रस्ट मी गाइस, आप मेरे साथ साथ करोगे ना तो बिजनेस कम्युनिकेशन भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो घर पे बैठना, आपको फटाफट पढ़ना, ये नहीं लेकर बैठे रहोगे। जैसे मैंने पढ़ाया ना क्लास में फटाफट, वैसे आपको फटाफट रिवाइज करना है, पेज पलटना है। जहाँ ग्रामर पोर्शन, इडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम का बात है, आपको बस खाली एक बार नजर फेरना है सब टॉपिक्स पे। यू डोंट हैव टू लर्न मग अप ऑल दोस थिंग्स, यू जस्ट नीड टू सी विथ योर आई, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना उसी तरह से पढ़ना है। बट चैप्टर 4 तो मैंने बोला था पूरा लर्न करना है अच्छे से, तो भी करवा दिया है। तो पहला 4 चैप्टर अच्छे से आज करके आओगे और क्विज खेलोगे मेरे संग शाम को, रात को 9 बजे शाम, ठीक है। सो फटाफट आपने अगर तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, और प्लीज गाइज रात में जो 9 बजे अपने फ्रेंड्स लोग को भी लेकर आना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज होगा। तो अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, 1 बजे से 9 बजे तक 8 घंटे का टाइम है बीच में, उसमें से अगर आप 3 घंटा भी पढ़ते हो ना ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स के लिए मोर देन एनफ है। तो प्लीज 3 घंटा आज डिवोट कर दो ताकि रात में क्विज अच्छे से खेल सको और लीडर बोर्ड में अपना फर्स्ट पोजीशन में नाम ला सको, ठीक है गाइज। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई एम गोइंग टू